वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अनाउंस किया था कि आज हम आईटी के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। और सुबह भी जब मैं इंट्रो दे रही थी तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि दुनिया भर में आईटी के शोबे में, टेक्नोलॉजी के शोबे में किस कदर जो है वो अचीवमेंट्स लोग उसको हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, आज बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाली है, इस तरह से कि आज हमारे पास एक ऐसे बच्चे भी मौजूद है, बच्चा मौजूद है जो आईटी की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और साइबर किड कहा जाता है इनको। और क्यों कहा जाता है ये मैं अभी शो से पहले पूछना चाहती थी, लेकिन मैं सोचा कि मैं भी अपनी क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखूंगी और मैं ऑन एयर पूछूंगी। हमारे साथ मोहम्मद उज़ैर अवान मौजूद होंगे और उनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब, आईटी बेसिकली है क्या और आईटी का जो शोबा है किस कदर वास्ट है, इसमें क्या काम हो रहा है, किस तरह से दुनिया जो है आईटी के शोबे को केलिक सहारा बनाकर तरक्की की तरफ जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सजाद घनी साहब जो कि एडिशनल डीजी है पीआईटीबी के, इनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आऊँगी, हम आईटी की बात करते हैं, एक बड़ी वास्ट सी टर्म है आईटी, आईटी को हम डिफाइन करें उसके बाद फिर हम अगर इसकी डिस्कशन को। देखिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि यूज ऑफ डेटा स्मार्टली और थ्रू सिस्टम, थ्रू टेक्नोलॉजी। इस वक्त दुनिया में जितना भी काम हो रहा है, जो भी है, बेसिकली दिस इज इंफॉर्मेशन एंड डेटा शेयर। अच्छा, पहले क्या होता था, डेटा आप थ्रू सम डिफरेंट मीडियम्स यूज कर रहे होते थे, उसको स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, इसको जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसको स्मार्टली और टेक्नोलॉजी को थ्रू यूज करना और उस डेटा को शेयरिंग इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप दुनिया में से कोई भी देखें, आप कोई दुकान से चीज़ लेने जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, आप सफ़र करते हैं, एवरी थिंग इज नाउ इंटीग्रेटेड। ठीक है, अब जो चीज़ें पहले दिनों और सालों में होती थी, अब वो मैटर ऑफ सेकंड। तो कोई दुनिया का ऐसा शोबा नहीं जहाँ पे आईटी इस वक्त ना हो। तो ऑटोमेटिकली ग्लोबली जो वर्ल्ड है वो इंटीग्रेट होती जा रही है चीज़ों को। दिस इज इन शॉर्ट, दिस इज। अच्छा, आईटी के शोबे में अगर हम अपने पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें, हम लोग भी उस चीज़ से बहुत ज्यादा फेमिलियर और फ्रेंडली होते चले जा रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है अभी हम इसको ओवरऑल एक जायजा लें। देखें, हमने 1960s में शुरू किया था आईटी का, जितना कराची में सिस्टम इंस्टॉल हुए थे, तो वी आर नॉट, हम पायनियर्स में से तो हैं पाकिस्तान, ये नहीं है कि बहुत बाद में शुरू हुआ था। हाँ, बीच में कुछ स्लो हुआ, लेट 2000 में एक दोबारा इस पर बूम शुरू हुआ और काम हो रहा है। तो अभी भी जो देखें हो क्या रहा है कि HR को जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, फिर गवर्नेंस को बेहतर करना थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी लाना, प्लस उसके अलावा जो आपके जितना सिटीजन को सर्व करना थ्रू टेक्नोलॉजी। तो इसमें पाकिस्तान अभी दे आर कम्पीटिंग और हम जिस स्पीड से जा रहे हैं काफ़ी, एंड वेरी सूनर इंशाल्लाह हम लोग दुनिया के मुकाबले पे काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। अभी भी अगर पाकिस्तान में देखें तो जितनी आईटी एक्सपोर्ट हो रही है इस जो कॉन्टिनेंट में, That is very good. Very good, exactly. अच्छा जनाब, अभी तो हम उज़ैर से बात करेंगे। उज़ैर की मैं बताती चलूँ, अभी 13 साल के हैं, लेकिन जो इन्होंने जब से काम शुरू किया है, जितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और ये ढेर सारे अवार्ड जो मेरे आगे पड़े हैं ये सब उज़ैर के। और मेरी टीम मेंबर जब सेट करी थी, कहती कितने ज़्यादा अवार्ड हैं, अभी तो इतना छोटा सा है। मैंने कहा माशाल्लाह बोले साथ, और जो देखे साथ में पहले माशाल्लाह बोलेगा। अच्छा, कैसे हैं उज़ैर आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा उज़ैर, मुझे आपसे जानना है कि आपका बेसिकली इंटरेस्ट कैसे हुआ, और नहीं सबसे पहले आपको साइबर किट क्यों कहा जाता है ये मैं जानूंगी। एकेडमी में जहाँ पर मैंने लर्निंग ली फर्स्ट टाइम, वहाँ पर मैंने 8 आवर्स काम किया। अच्छा, प्रिंसिपल थे वहाँ के, वो मुझे टीच करते थे, उन्होंने फिर मुझे साइबर किट का वो एक दे दिया आपको नाम। जबरदस्त। तो कब से कर रहे हो बेटे, और कब से आपका ये सारा सिस्टम जो आपने साइबर को लेकर करना शुरू किया? तो 4 इयर्स की ऐसे स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, लवली। पापा को देखा, पापा सिस्टम पे काम करते थे, लाइट आती थी, लाइट जाती थी, सिस्टम से हट जाते थे। फर्स्ट टाइम पापा के सिस्टम को करप्ट किया। अच्छा, ठीक है। पापा ने डांटा नहीं, कुछ भी नहीं, सपोर्ट किया मुझे। हाँ। अपना पीसी लेके दिया। अच्छा। और 5 इयर्स के में मुझे विन एक्सपीरियंस इंस्टॉल करनी आती थी। ओके। उस वक्त से फिर मैंने स्टार्ट किया, पापा के दोस्त की अकेडमी थी वहाँ पर, तो मैं स्कूल की लर्निंग लेने गया था। समर वेकेशन वक्त थी, मामा कहती तंग करता है घर में, तो इसको अकेडमी में भेज दो। वहाँ पे क्लास 2 में मैं कम मिलता था, और कंप्यूटर फाउंडेशन क्लासेस में ज्यादा मिलता ज्यादा मिलते थे। ठीक हो गया। सर ने मेरा शौक देखते हुए मेरे पापा को कॉल की और उनको इन्फॉर्म किया कि आप जो स्कूल का वर्क है वो घर मैनेज करवा लें। हाँ। हनी मेरे पास यहाँ पर कंप्यूटर की लर्निंग रहेगा, मेरा निकनेम हनी है। हनी है, अच्छा ठीक है। वहाँ पे मैंने प्रोजेक्टर हैंडलिंग सीख ली।
ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्टिंग, स्कैनर, फोटोकॉपियर और लैब। ये सब आप किस एज में कर रहे थे? ये 6-7 की एज में। 6-7 इयर्स की एज में, ठीक है। उसके बाद फिर एक दिन सर ने मुझे बुलाया स्पेशली और गूगल सर्च पर ARF लिखा, आगे लिखा है अरफा क्रीम। हाँ। सर कहते हैं कि आप चाहते हो कि आपका नाम भी इसी तरह प्रिंट आए, जब HUZA लिखे हैं तो आगे हुजैर मां लिखा है। मैंने कहा व्हाई नॉट। उसके बाद से मुझे इंटरेस्ट हुआ। 7 इयर्स की एज में आई ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ अरफा क्रीम इन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस सॉल्यूशन एसोसिएट एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। After this certification, Fakrim Foundation awarded me a gold medal. Okay. 8 years ki age mein, I made my own record in IT security cipher professional. I was the first Pakistani and the youngest student in 150 countries and round about 12 million students. Okay. After that, Dr. Raqib Khan awarded me a gold medal. Gold medal, okay. Yeah. ये सारे medals ना मेरे साथ पड़े हैं। ये एक मेरे हाथ में और फकरीम वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, अरफा क्रीम फाउंडेशन वाला ही गोल्ड मेडल है, अगर ये कैमरामैन दिखा सकें। और इसके अलावा ये कौन सा मेडल है जनाब? ये डॉक्टर AQ खान का मेडल है। और ये वाला कौन सा है? साइबर किट का मेडल है। ओके, ये कहाँ से मिला था आपको? ये मेरे एकेडमी में जिसमें पढ़ा था। एकेडमी में मिला है ये। चले जनाब, ये मेडल्स है, साइबर किट का मेडल है, ये डॉक्टर AQ खान के उन्होंने इनको जो मेडल दिया वो है, और ये आगे आ रहा है। और ये है जनाब अरफा करीम का मेडल। अच्छा, तो फिर ये सारी जो सर्टिफिकेशंस है, मजीद भी आप मुझे बताओ क्या अचीवमेंट्स रही। और आपने उसके बाद से फिर मैंने लैंग्वेजेस पर फोकस किया, C++, जावास्क्रिप्ट, C#, और इस तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम किया। इसमें आप एक्सपर्ट हो? एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन काम करते हो, ठीक है। लेकिन पाइथन और C++ में मैं अभी दोबारा रीटेकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स करना था, अब दोबारा से शुरू किया है। अब माशाल्लाह रोबोटिक्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आ चुका हूँ रिसेंटली। या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, फास्ट यूनिवर्सिटी ने EE डिपार्टमेंट का ऑनररी मेंबर डिक्लेयर किया था मुझे। फिर मैंने अपनी फील्ड चेंज की और रोबोटिक्स की तरफ आया। वो कहते हैं ना, मरीज इश्क पे रहमत खुदा आ गई, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब बच्चे को अदब से भी बहुत शदीद लगा है, मुझे अब डाउट हो रहा है। अच्छा, मुझे इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताओ जो आगे पड़ा हुआ है आपकी। कब बनाया आपने ये प्रोजेक्ट? ये मैंने इसी साल बनाया था 2018 में। बेसिकली क्या प्रोजेक्ट है ये? हैंड गेस्चर कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। आपके हाथ के इशारों से कंट्रोल होती है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, स्टॉप। अच्छा, तो ये किसी भी किट की प्रैम में इंस्टॉल की जा सकती है। सही है। यहाँ फिर ये किसी डिसेबल पर्सन की ट्रॉली में यूज की जा सकती है, वो अपने हैंड से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वीडियो ये हमारे देखने वालों की स्क्रीन पर ये चल रही है वीडियो जो ये है, साथ साथ हमें बता रहा है उजैर जी। और ये तो जस्ट मॉडल है, ठीक है। इसके अंदर फिर स्पेसिफिकेशन की जाएंगी जब ऑन एयर करूंगा मैं इसको। जस्ट मॉडल इसको मैंने बनाया हुआ है, इसकी वर्किंग भी आपको दिखाऊंगा। तो कितना टाइम लगा ये? इसको 1 month से 2 months लगे थे। कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। अच्छा, चाचू मेरे बाहर थे। हाँ, उन्होंने भेज दिया, हेल्प मिल गई आपको। ये जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ऐसे बच्चे भी हैं। देखें, ये पाकिस्तान के फ्यूचर हैं, और हम लोग तो जिस एरा से बिलोंग करते हैं, हम लोगों ने तो कंप्यूटर फर्स्ट टाइम देखा जब ग्रेजुएशन की थी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जिनके बिल्कुल वो बचपन से और जो देखते आ रहे हैं, तो दे आर द रियल पीपल जो कि इस पे आईटी में सही काम कर सकेंगे। और दे आर फ्यूचर जीनियस, दे आर जीनियस। बिल्कुल ऐसा ही, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन भी करेंगे और पाकिस्तान को एक नई डायमेंशन भी देंगे कि जिस तरह से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इनमें आ रही है, तो दे आर द रियल इनोवेटर्स। अच्छा, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, बहुत सारे शोबों में, जैसे हमने भी शुरू में बात की, बहुत वास्ट है इसकी टर्म। अब बहुत सारे फवायद भी हैं, लेकिन कुछ आईटी रिलेटेड इश्यूज भी हैं जो तेजी के साथ बढ़ भी रहे हैं, जहाँ हमें फायदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। इंडीड ऐसा है, इट ऑल डिपेंड। देखें, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका प्योर फायदा हो रहा हो, ठीक है। हर चीज़ के नुकसान है। अब इट ऑल डिपेंड्स कि हम लोग किस तरह से उसको लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट है, हमारी फैमिलीज हैं, हमारा कल्चर है, तो वो जो कल्चर के साथ थोड़े कुछ कन्फ्लिक्ट और सोशल कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, उसको ये इट विल टेक टाइम, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में और उस चीज़ से निकलते हुए कि हम इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ करेंगे, तो वो फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। और दूसरी बात ये कि अभी इसके अलावा गुजारा नहीं है। बिल्कुल, अब देर इज नथिंग। पाकिस्तान में आज भी तकरीबन साल के 5 लाख कंप्यूटर्स बिक रहे हैं, ठीक है, और ये नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो देर इज नो फील्ड, यू नेम एनी फील्ड जहाँ पे आईटी यूज नहीं हो रही है। तो इसके बगैर आगे आप जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल कि आज 5 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो जाता है पूरी दुनिया का,
हमारी जिंदगी बिल्कुल मफलूज हो जाती है. हम लोग तो ऐसे बैठे होते हमारा इंटरनेट बंद हो जाए तो. अच्छा अब वो ये वो यूजर हैं जो कुछ तो एंटरटेनमेंट या वो उससे रिलेटेड है कुछ के काम ऐसे है, दुनिया की फ्लाइट्स रुक जाएंगी, ट्रेन रुक जाएंगी, ये सारे आपका कम्युनिकेशन रुक जाएगा. आज किसी वो रीजन की वजह से मोबाइल बंद होते हैं तो फील पैरालाइज. हम तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है. तो इसके बाद जैसे जैसे ये दौर गुजरता जा रहा है इसके बाद दिस इज द प्राइमरी नीड, वो जिस तरह से सांस लेना है और उसके लिए इसी तरह से आपको इंटरनेट की जरूरत है. बिल्कुल इंटरनेट की जरूरत. तो वो दुनिया की आप इस वक्त आप अपनी 24 घंटे की जिंदगी देखें तो 23 घंटे आपके ऐसे होंगे कि जिसमें या जो सोने के अलावा ठीक है, अब तो इवन वो स्लीप भी मैयर हो रही होती है. हाँ, स्मार्ट वॉच इवन आपके अलार्म सारा कुछ हमारे स्मार्टफोन के स्मार्टफोन में इसके मोहताज हैं. तो वो इसके मोहताज हैं, इसके बगैर इस वक्त तो गुजारा नहीं. अच्छा डेटा सेंटर भी बनाया गया तो जो रिकॉर्ड जल जाते थे उनको उनको प्रॉपरली सेफ रखा जा रहा है, क्योंकि पहले तो मैनुअली जो चीज होती थी अब उनको प्रॉपर सिस्टम. देखिए इस सबसे जितना ये डाटा बढ़ता जा रहा है इसका सबसे बड़ा मसला इसकी सिक्योरिटी है और इसको स्टोर करना है. किस तरह स्टोर करेंगे और आगे इसको सिक्योर किस तरह से करेंगे. अभी तो बल्कि गवर्नमेंट काम कर रही है जो पुराना आर्काइव डाटा है उसको भी हम डिजिटाइज कर रहे हैं ताकि प्रीवियस भी जो उसको उसको भी मेंटेन कर सकें. तो डेटा की इस वक्त जो सबसे बड़ा जो हमने यूज़ किया था उस वक्त तो हार्ड ड्राइव आती थी 3.2 GB 2.3 GB. आज इनको बच्चों को मजाक लगता है, भी नहीं होती अब इनको. अब इतनी तो मोबाइल में भी कोई यूज़ नहीं करता. तो जैसे जैसे डेटा एक्सपेंड करता जा रहा है उसको सेव करना किस तरह से करना है, कहाँ पे करना है, उसके लिए डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं उस टेक्नोलॉजी को. फिर उसकी फर्दर डिजास्टर रिकवरी है कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी लेट्स सपोज देयर इज सम इशू, आग लग गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो वो कहाँ पे उसको सेव करना है, उसकी रेप्लिकेशन कहाँ हो रही है, डीआर कहाँ पे है, तो वो सारा मामला आता है. फिर उसकी सिक्योरिटी है कि हम उसको सिक्योर किस तरह से करें, क्योंकि अब जिस तरह से आज अब ये साइबर किड्स आ रहे हैं तो इसमें ही हैज़ अ पॉजिटिव माइंड बट देर आर सर्टन पीपल जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जो हैकिंग और अटैक्स वगैरह उससे भी सिक्योर करना है. तो इस वक्त तो ओवरऑल ग्लोबली वी नीड सच पीपल कि जो आगे इसको लेकर चल सके और उसको सिक्योरली लेकर चल सके. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, मैं चाहूंगी प्रोजेक्ट भी हम जरा थोड़ा चेक करें, आप अगर इसको चलाकर हमें दिखाएं, हमें आइडिया हो के कितना जबरदस्त काम आप कर चुके हैं और अभी इस पे मजीद मॉडिफाई करेंगे आप उजैर इसको. ये तो जस्ट मॉडल है. मॉडल है ठीक है. ये मैंने कार वैसे मॉडल के तौर पर यूज किया है, किसी ट्रॉली में किट की प्राइम इंस्टॉल किया जा सकता है. अच्छा किट की प्राइम इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक हो गया. तो अभी अब फैमिली में कोई और भी इस तरह से आईटी से रिलेटेड है, साइबर से रिलेटेड है? इतना नहीं. नहीं अब वालिद साहब आपके? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं. अच्छा ठीक है. तो बस उनका काम होता था. हाँ, वो तब करते थे. तब करते थे सही. और ये अभी इसके लिए आपको मेरे ख्याल से आएगी प्लग भी चाहिए होगा. बिल्कुल है प्लग इनके पास. जबरदस्त. मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि किस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि अभी जब हम शो में ब्रेक से पहले हम इसको यही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से वर्क करेगा. ठीक है फॉरवर्ड लेफ्ट ये ठीक है, राइट बैकवर्ड और ये स्टॉप. ओके ओके जबरदस्त लवली. एक बार दोबारा से जाए कैमरे में देख के आप प्लीज चला दो, क्योंकि हमारे उसको भी देख लिया जाए कि ये किस तरह से है. फॉरवर्ड ये फॉरवर्ड में आप अपना हाथ खुला रखते हैं. ठीक है ये राइट, ये बैकवर्ड है और ये स्टॉप. अच्छा हम चूंकि आईटी या टेक्नोलॉजी की बात करें, आप कितना टाइम अपना डिवाइड करते हो इस तरह की वर्किंग, जिससे आपने कहा कि आपने स्विच किया है रोबोटिक्स की तरफ, तो कितना टाइम आपका लगता है? यूजुअली तो मैं ऑर्स में काम करता हूँ, तो मैंने प्रोजेक्ट्स डिफरेंट जगह मैं एग्जिबिट भी कर चुका हूँ. अच्छा, लाहौर साइंस मेला है, यूटी साइंस सोसाइटी में था. इसी तरह के प्रोजेक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैं काम करना चाह रहा हूँ. और आजकल रोबोटिक्स की फील्ड में क्योंकि मैं सुबह भी एक रिसर्च शेयर कर रही थी कि रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा काम हो रहा है. तो आपका भी प्लान, तो एंकर भी रोबोटिक्स आने लग गए हैं. देखो जरा एंकर हमारी नौकरियां भी खतरे में पड़ गई हैं. देखो सब फॉरेन धमकी दे दी. अच्छा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, नॉर्मली फैसिलिटीज या एजुकेशन की बात की जाए तो कितना आपको लगता है पाकिस्तान में फैसिलिटेट किया जाता है, क्योंकि जो लोग सीखना चाहते हैं आईटी में, अल्फा करीम टावर इज नो डाउट बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट वन. उसके अलावा भी कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह से करते हैं? बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑफ ऑल इशू है कि अभी तो पाकिस्तान में इसका ग्रूम आया. हाँ, अभी शुरू हुई है. शुरू हुआ.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو 10 to 15 years چاہیے کسی اچھے مقام پر کھڑے ہونے کے لیے. ابھی کام کر رہے ہیں سارے, میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں لرننگز لوں باہر جا کر فورن کنٹری میں, اور آ کر پاکستان میں پیپل کو اویئرنیس پرووائڈ کروں. سارے لوگ, آپ کو لگتا ہے لوگ یہاں پہ اویئر ہیں اتنے زیادہ؟ اتنے نہیں, نہیں ہے ان کو آئی ٹی سیکورٹی کا نہیں پتا. اب جو وہاں پہ باہر کے ملکوں میں آبسولیٹ ہو چکے ہوئے ہیں جو ہیکنگ میتھڈز ہیں وہ یہاں پر ابھی یوز ہو رہے ہیں. اسکیمنگ ہوئی ہے ریسنٹلی, بالکل. اس کے بعد سوشل فارمنگ ہے, فشنگ ہے, اس طرح کے ٹرمز ہیں جو اب آبسولیٹ ہو چکی ہیں, بالکل وہ یہاں پہ یوز ہو رہی ہیں. صحیح صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم تعلیمی شعبے کی بات کریں تو ٹیکنالوجی سے ہم شاید اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جس طرح باہر کے ممالک میں اٹھایا جاتا ہے. کیا لگتا ہے ہم کہاں پر لیگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو چیزیں بہت ہی اسٹارٹ ہوئی ہیں, اور وی آر کمپیٹنگ ود دا ورلڈ. ابھی جیسے اب اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں, ایجوکیشن میں ابھی ریسنٹلی پی آئی ٹی وی نے ای لرننگ کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ آپ کی ساری بکس آن لائن پڑھی ہوئی ہیں, سارا کچھ ہے. تو ابھی وی آر کمپیٹنگ ود دا ورلڈ, ٹھیک ہے, لرننگ ایجوکیشن میں بھی. آپ ہیلتھ میں آ جائیں, آپ جوڈیشری میں آ جائیں, آپ لا اینڈ آرڈر میں آ جائیں. دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے اس پلیٹ فارم کو پرووائڈ کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی بھی ہمارے دیر آر سرٹن ادر ایشوز جو کہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں 50% زیادہ پاپولیشن پاکستان کی آئی ٹی لٹریٹ ہوتی جا رہی ہے, دے آر یوزنگ اسمارٹ فون اینڈ تھنگز لائک دس. اچھا جہاں تک فردر اس کو ایجوکیشن میں معاملات ہیں, ایجوکیشن میں کافی بہتری آ رہی ہے ابھی, اور ایون اب تو ڈپینڈنسیز ختم ہوتی جا رہی ہیں لوگوں کی کہ کیونکہ ایوری تھنگ از آن لائن, ایون ون کین اسٹارٹ. ابھی وہ دور ختم ہو چکا ہے کہ اب آپ نے جانا ہے اور اگلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جی جا کے آپ آفس جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں. اب تو لوگ گھر بیٹھ کے ایوری تھنگ از آن لائن, آپ جائیں, آپ اف یو ہیو اسکلس آپ جا کے اپنی اسکلس کو پبلش کریں انٹرنیٹ پہ, یو ول گیٹ دا جاب لائک دس. تو آپ گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہوں گی. اب یہ ہے کہ باقی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان سے ڈیفینیٹلی دیر از اے ڈفرینس, بٹ آئی ایم ہوپ فل کہ ود ان نیکسٹ کپل آف ایئرز ہم وہ ڈفرینس کو گیپ کر لیں گے. پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں آئی ٹی سیکیورٹی کا نہیں پتا, لوگوں میں اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے. اب باہر کی چیز ممالک میں جو چیز ایبسلیوٹ ہو چکی ہے, سارا کچھ پتا ہے لوگوں کو, اسکیمنگ کے جو طریقہ کار ہیں, لیکن ابھی بھی وہ یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی سیکیورٹی میں ہم تھوڑا سا پیچھے ضرور رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ابھی اویئرنیس آ رہی ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی اسکیمز ہوئے ہیں اس کے بعد لوگوں کو جب سر پہ پڑتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں کچھ کرنا ہے. تو ان پروسیسز کو بہتر کیا جا رہا ہے. اوور آل اگر دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں, کارپوریٹ سیکٹر میں, وہ چیزوں کو ڈیفینیٹلی بہتر کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں جس اسپیڈ سے ہم چل رہے ہیں اور جس طرح کی ابھی کام لوگ کر رہے ہیں, اور ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ اب وہ شاید گیپ فل کرنے کے لیے ٹائم تھوڑا ہمیں چاہیے, کیونکہ جو اسکلز اور جو ہمارے پاس مین پاور آتی جا رہی ہے. اچھا ہم ڈیٹا کی بات کریں, کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے آن لائن ہے یا جو ہم یوز کرتے ہیں, یوٹیلائز کرتے ہیں, وہ سیف ہے؟ کیونکہ سم ٹائمس ایسے سیکیورٹی ایگریمنٹ, اس طرح کی پالیسیز ہمیں پڑھا دی جاتی ہیں, ہم پڑھنا بھی بادر نہیں کرتے, وہ جس کلک آئی ایگری دا ٹرم اور ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں, لیکن اس سے کئی چیزیں ہماری بڑی وہ کہنے سیف نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں وہ آئی ایگری کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتا. اچھا ڈیٹا سیکیورٹی نا ایک بڑی واسٹ ٹرم ہے. اب اس میں ہوتا ہے کہ جو کہ پرابلم وہاں آتا ہے کہ جہاں پہ آپ ان نون یا جو کہ ریکگنائز سائٹس یا نہیں ہیں ایسے, وہاں پہ جا کے اگر اپنا ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ولنریبل ہے. بٹ جو گلوبلی ریکگنائزڈ ہیں, جیسے اگر آپ گوگل, امیزون, مائیکروسافٹ, تو دے ڈیفینیٹلی ٹیک کیئر آف یور ڈیٹا. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا آپ کا کہیں ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. باقی ہم اگر آپ جیسے every smartphone user is being tracked all the time, exactly, ٹھیک ہے, وہ 24 hours اس کی لوکیشن بھی کہیں جا رہی ہے, اس کا سارا ڈیٹا کہیں جا رہا ہے, بالکل. تو وہ بٹ ہم نے سیکیورٹی کو اپنا جو اس کو خود سے امپلیمنٹ کرنا ہے, اس پالیسیز کو خود امپلیمنٹ کرنا ہے, وہ اویئرنیس ہماری ضرورت ہے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی بہتری کی ضرورت ہے اور اس پہ کام کیا جانا چاہیے. گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور انڈیویجول لیول پر بھی ہمیں لیول پہ بھی اویئر ہونا چاہیے, بالکل. اچھا جی, آپ کا کیا پلان ہے فردر فیوچر میں, کیا کرنے والے ہیں آپ؟ میرا تو یہی پلان ہے کہ جاپان جا کر لرننگز لینی ہے اب ڈیفرنٹ تھنگز میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹک آپریٹنگ سسٹم, لرننگ لے کر پھر اپنی کنٹری کو آ کے سرو کرنا ہے. لولی. اور فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو بی اے گڈ مین ہو کین انڈرسٹینڈ ڈفرنٹ پرابلمز آف مینی پیپل اینڈ گیٹ ریڈ آف دیم. اچھا آئی ٹی کے حوالے سے, اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے, سائبر کڈ ہولنگ ناطے کو میسج ہمارے دیکھنے والوں کو آپ دینا چاہو؟
मैसेज ये देना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के ऑथर्स को पढ़ते हैं, मेरे कहने पर सिर्फ इलामा इकबाल, हमारे डॉक्टर इलामा इकबाल की पोएट्री पढ़ लें, दुनिया आपको पढ़ना शुरू हो जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज, अब ये नेक्स्ट जनरेशन जिस तरह से काम कर रही है, दे शुड वर्क लाइक दिस, इनको और लेट्स बी इनोवेटर, नई चीज लाएं, ऑपरेटर ना बने कि वो बनी बनाई चीजों को ऑपरेटर ना बने, बी इनोवेटर और नई चीजें लाएं और उस मुल्क के लिए मजीद तरक्की के लिए। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उज़ैर, आपका भी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जनाब आज हमने आपकी मुलाकात बड़े जबरदस्त लोगों से करवाई और ये बच्चा जो है डेफिनेटली बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, बहुत अच्छे प्लान हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर।